अमरीका के सदारत इंतखाबात के लिए वोटिंग में 60 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। अमरीकी तारीख में पहली बार सदारती दौड़ में शामिल स्याफाम डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस मंशूर और नारे पर इंतखाबात लड़ रहे हैं, आइए आपको इस खसूसी रिपोर्ट में बताते हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात बस चंद घंटों की दूरी पर हैं। महीनों पर फैली सदारती मुहिम इख्तिताम पजीर होने को है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस फाइटिंग फॉर द पीपल डिलीवरिंग फॉर अमरीका और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इंतखाबी नारे से वोटरों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। रवा सदारती इंतखाबात में गाजा जंग, मौशी मसाइल, सोशल सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली, गन वायलेंस और गैर कानूनी पनाह गुजीरों जैसे अहम मौजूआत सदारती उम्मीदवारों की तकरीरों का हिस्सा रहे। अगर दोनों सदारती उम्मीदवारों का मुवाजना किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा जारहाना नजर आता है, जिसमें मौशी बेहतरी, तिजारत, पनाह गुजीनों की अमरीका आमद पर सख्ती, अस्करी ताकत को बढ़ाना, नई मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना, चीनी जासूसी को रोकना और ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सजाए मौत देना शामिल है। कमला हैरिस का जोर खवातीन के हुकूक, स्याफाम अमरीकियों की जिंदगी को बेहतर बनाना, माहौलियाती तब्दीली पर तवज्जो देना, तालीम, गन वायलेंस या असलहे के तशद्दुद की रोकथाम जैसे मसाइल के हल पर है। जब इसराइल की गाजा पर जारहियत की बात आती है तो कमला हैरिस दो रियासी हल और गाजा में सीज फायर की ख्वाहिशमंद नजर आती हैं। उनके नजदीक गाजा में हालात तबाहकुन हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के मुकम्मल हामी हैं। ताहम उन्होंने इसराइल पर जल्द गाजा पर जंग बंद करने पर जोर भी दिया है। कमला हैरिस इस काते हमल की भी हामी हैं। कमला हैरिस इल्जाम लगाती हैं कि ट्रंप सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर फवायद में कमी लाएंगे और 50 स्टेट पर मुश्तमिल बैकडोर बैन का नफाज करेंगे। ताहम अपने मंशूर एजेंडा 47 में ट्रंप का दावा है कि वो अमरीकी मिलिट्री में बाएं बाजू के सिन्फी प्रोग्राम्स में कमी लाएंगे। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी में कमी के हवाले से भी तर्दीद की है। ताहम उन्होंने बाइडेन इंतजामिया पर ये इल्जाम भी आयद किया है कि वो खरबों डॉलर्स और विफाकी बजट को उन प्रोग्राम्स की मद में जाया करती हैं। कमला हैरिस बजाते खुद एक पनाह गुजीन घराने से ताल्लुक रखती हैं। अपनी इलेक्शन मुहिम में उन्होंने गैर कानूनी माइग्रेशन पर सख्त मौकिफ अपना रखा है। उनका कहना है कि वो क्रॉस पार्टी बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पर सदर बनने के बाद दस्तखत करेंगी। इस बिल के तहत पनाह के केसेस पर जल्द फैसला, बॉर्डर वॉल पर काम के लिए फंड्स, पनाह गुजीनों को मुल्क बदर करने का जायद इख्तियार शामिल है। तहां मेक्सिको की सरहद के साथ दीवार के खां ट्रंप पनाह गुजीनों की अमरीका आमद के नहायत खिलाफ है। उनका मानना है की पनाह गुजीन अमरीकी टैक्स देने वालों पर एक बोझ है, जिसके 22 सालाना तकरीबन 140 अरब डॉलर जाया होते हैं। अमरीका के समाजी मसाइल में गन वायलेंस खासा अहम इशू है। इस हवाले से कमला हैरिस को अवाम में खासी पजीराई भी मिल रही है। कमला हैरिस ने नायब सदर की हैसियत जोर दिया कि वो 750 मिलियन डॉलर के विफाकी फंड्स को क्राइसिस इंटरवेंशन में इस्तेमाल करें। उनकी वेबसाइट में उनकी इस कामयाबी का जिक्र मौजूद है कि उन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल कैलिफोर्निया को 12,000 गैर कानूनी गन से पाक किया था। कमला हैरिस माहौलियाती मसाइल पर भी वाज़ेह मौकिफ रखती हैं। बतौर नायब सदर उन्होंने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के लिए फैसला कुन वोट डाला, जिससे माहौलियाती तब्दीली से मुंसलिक कानून साजी अमल में आई। इस एक्ट के तहत आम अमरीकियों के घरों में तवानाई से जुड़े अखराजात में कमी और तवानाई के शुबे में मुलाजमतें पैदा हुई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की ख्वाहिश है कि वो दोबारा अमरीका को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से निकालें और बाइडेन इंतजामिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अखराज और दीगर पॉलिसीज को ओहदा संभालने के पहले दिन ही वापस लें। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप का नारा और मंशूर कितने अमरीकी वोटर्स को मुतासर कर सका, ये फैसला आइंदा चंद घंटों में हो जाएगा। ताज़ा तरीन सर्वे की बात करें तो 538 के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 1.3% की बरतरी हासिल है। अब देखना यह है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा मकबूलियत के बायस अमरीका की पहली स्याफाम सदर मुंतखब होकर तारीख रकम करती है या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदारत की कुर्सी पर बैठते हैं।